अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट फोर क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि हम लोकल एक्सट्रीमा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लोकल एक्सट्रीमा आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू देखा, अब हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू देखेंगे। आपने वैसे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी आपने डिस्कस किया, जिसको आप ग्लोबल एक्सट्रीमा भी कहते हैं। फिर आपने लोकल एक्सट्रीमा भी देखा, जिसको आप रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा। आज हम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू देखेंगे। तो जैसे आपके बाकी एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स थे, वैसे इसमें आपने सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। वो तीन बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। इफ एफ डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then f has relative minima at c. second point, if f dash changes its sign from positive to negative, then f has relative maxima at c. If f dash does not changes its sign, then f has a point of inflection at that point. तो क्या मैंने आपसे अर्ज कर दी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो मिनिमा है, अगर फंक्शन अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो आपके पास मैक्सिमा है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन ही चेंज नहीं करता है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि अगर वो पहले नेगेटिव आ रहा है तो वो बाद में भी नेगेटिव आए, और अगर वो पहले पॉजिटिव आ रहा है और वो बाद में भी पॉजिटिव आए तो चेंज तो कोई ना आया, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर आप कहते हो कि वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सी से मुराद आपका क्रिटिकल नंबर है, सी से मुराद आपका क्रिटिकल नंबर है। आप क्रिटिकल नंबर फाइंड आउट करते हो, फिर उसके हिसाब से आप चेक करते हो कि आपको मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा, ठीक है। तो आपने देखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज किया, अगर किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आपको अगर याद नहीं है हम कैसे फाइंड करते थे, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप करते हो फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट्स थे जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव या जीरो हो जाए या अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स थे जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव या जीरो हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होगा कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट से पहले और क्रिटिकल पॉइंट के बाद, क्रिटिकल पॉइंट से पहले और क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो किस लिहाज से कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आपने एक और छोटी सी चीज है उसका ध्यान रखना है कि साइन चेंज फंक्शन के डेरिवेटिव का चेक करना है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो फिर आप कहते हो फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आपको मैक्सिमा मिनिमा दे रहा होता, हम डेरिवेटिव की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा किसका फाइंड कर रहे हैं, वो आप फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये ना हो कि अगर आपने यहां एफ डैश लिखा तो आप यहां पे भी एफ डैश ही लिख दें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात करें, इसलिए हम पहले डेरिवेटिव के ऊपर बेस करके मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। जब हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करते थे तो आपको याद होगा कि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया था, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा आप फाइंड तो फंक्शन का कर रहे हो ना, तो इसलिए यहां पर आपने एफ हैज लिखना है, ठीक हो गया। चले आए अपने क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं। इन एक्सरसाइज 33 टू 36 फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
लोकल एक्सट्रीमा या रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा एक ही चीज है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स उसने आपको दिया हुआ माइनस एक्स की पावर 3। सबसे पहला आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव लिया, ये जो पावर 3 है पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 3x का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप सो कि यू नो वेरी वेल कि अब आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव है 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास 7। वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को रखना है जीरो के इक्वल। फंक्शन का डेरिवेटिव निकला माइनस 3x स्क्वायर, यहां मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव की जगह लिखा माइनस 3x स्क्वायर और इसको मैंने रख दिया जीरो के इक्वल। अब माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब आपने फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, ये आपने अपना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट से पहले भी चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी चेक करना है, ठीक हो गया। मैंने लिखा है क्रिटिकल पॉइंट जीरो आया, क्रिटिकल पॉइंट से पहले बिफोर एक्स इज इक्वल टू जीरो आप कोई पॉइंट चूज कर लें। यह आपकी नंबर लाइन है, यहां पर आपके पास जीरो होता है, जीरो से पहले एक पॉइंट आपने चूज करना है, एक जीरो के बाद चूज करना है, ठीक है। उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है और फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, बिफोर भी चेक करना है और आफ्टर भी चेक करना है, यानी कि यहां से भी एक पॉइंट आपने उठाना है, यहां से भी एक पॉइंट उठाना है, फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है और उसका साइन चेक करना है, ठीक है। तो मैंने लिया एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.1, ठीक है। जीरो से पहले मेरा जो पॉइंट है वो माइनस 0.1 मैंने लिया है। जरूरी नहीं है कि आप माइनस 0.1 ही लें, आप माइनस 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। जीरो से पहले आपने कोई पॉइंट चूज करना है। मैंने माइनस 0.1 कर लिया, इसको किस में रखना है, फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया था माइनस 3x का स्क्वायर, तो माइनस 3 तो मैंने वैसे ही रहने दिया, x की जगह पे मैंने लिखा माइनस 0.1 और ऊपर था क्योंकि मेरे पास स्क्वायर, इसलिए मैंने स्क्वायर डाल दिया। अब आप माइनस 0.1 का स्क्वायर लेंगे यू गेट 0.01 और इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा माइनस 0.03। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद एक पॉइंट लेना है, तो अगर पहले मैंने माइनस 0.1 लिया तो अब मैं प्लस 0.1 ले लेती हूँ, क्योंकि जीरो के बाद नंबर सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो आफ्टर x इज इक्वल टू जीरो मैंने पॉइंट चूज कर लिया x इज इक्वल टू प्लस 0.1, ठीक है। डेरिवेटिव क्योंकि मेरे पास आया है माइनस 3x का स्क्वायर, ये मेरे पास डेरिवेटिव आया, ठीक है। तो मैंने माइनस 3 वैसे ही रहने दिया, x की जगह पर मैंने रखा 0.1, ऊपर मैंने डाल दिया स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर लोगे आंसर पॉजिटिव, लेकिन जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर अगेन नेगेटिव। तो बिफोर भी नेगेटिव आ रहा है, आफ्टर भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन के डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज नहीं किया बिफोर एंड आफ्टर योर क्रिटिकल पॉइंट, सो इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 2। जब आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x की पावर 3 और क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव निकल आया, अब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को रखना है 0 के इक्वल। तो डेरिवेटिव आपके पास 4x की पावर 3 आया, इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x की पावर 3 आपके पास 0 आ रही है, इसका मतलब आपका x भी 0 है, समझते हैं ना इस बात को। देखें पावर 3 है तो पावर 3 अगर आपने खत्म करनी है तो पावर 1/3 आप इधर भी ले लें और पावर 1/3 आप इधर भी ले लें, तो जीरो की जितनी मर्जी पावर ले लो आंसर तो जीरो ही रहना है। यहां पर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब अगेन आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 आया है, तो बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने माइनस 0.1 ले लिया, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने एक्स इज इक्वल टू 0.1 ले लिया,
ठीक है। अब आप देखें, आपके पास डेरिवेटिव आया था 4x की पावर 3, तो 4 एज इट इज, x की जगह पर मैंने रखा -0.1 और ऊपर पावर लगा दी मैंने 3। अब आप मुझे खुद बताएं कि जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, तो आंसर माइनस में आता है। इसका क्यूब ले लें, आपके पास शायद 0.001 आए, आप चेक कर लें जो भी आपके पास आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पावर ऑड है तो अंदर माइनस है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। इसका मतलब है कि ये आपका लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब जब मैं x इज इक्वल टू +0.1 रखती हूँ, तो ये 4 वैसे ही, x की जगह पर मैंने 0.1 रखा, ऊपर पावर 3 है, तो पॉजिटिव नंबर की आप जितनी मर्जी पावर ले लें, वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर तो प्लस में ही आना है। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पहले नेगेटिव आ रहा था, अब पॉजिटिव आया। साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है एफ डैश चेंजेस इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपको रिलेटिव मिनिमा मिला है, और किस पॉइंट पे मिला है, आपके क्रिटिकल नंबर जीरो पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 35, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पावर वन रह जाएगी, उसके बाद पावर को छोड़ के आगे बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो आपके पास वन है, टू इंटू वन करेंगे यू गेट टू, और साथ आपके पास लिखा है एक्स प्लस वन, तो ये आपके पास आया है फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल रखेंगे। डेरिवेटिव आपके पास आया है टू इंटू एक्स प्लस वन, इसको मैंने जीरो के इक्वल रख लिया, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जब वो जीरो के साथ डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, वन यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल आया माइनस वन, और डेरिवेटिव आपके पास निकला है जी टू एक्स प्लस वन। अब आपने बिफोर क्रिटिकल पॉइंट देखना है, तो यहां पर आपके पास माइनस वन है, यहां पर माइनस टू होता है, यहां पर जीरो होता है, ठीक है। तो ये माइनस वन के इधर माइनस वन पॉइंट वन, माइनस वन पॉइंट टू, माइनस वन पॉइंट थ्री, माइनस वन पॉइंट फोर, माइनस वन पॉइंट फाइव, माइनस वन पॉइंट सिक्स, माइनस वन पॉइंट सेवन, माइनस वन पॉइंट एट, माइनस वन पॉइंट नाइन, और फिर माइनस टू, ठीक है। तो मैंने बिफोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मैंने पॉइंट चूज कर लिया माइनस वन पॉइंट वन, ठीक है। और आफ्टर एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन अगर आप सॉरी आफ्टर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अगर आप देखें, तो यहाँ जीरो है, जीरो पॉइंट वन, जीरो पॉइंट टू, जीरो पॉइंट थ्री, जीरो पॉइंट फोर, जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट सिक्स, जीरो पॉइंट सेवन, जीरो पॉइंट एट एंड जीरो पॉइंट नाइन। जीरो के इस तरफ नंबर सारे नेगेटिव है, इसलिए ये माइनस जीरो पॉइंट वन, माइनस जीरो पॉइंट टू, माइनस जीरो पॉइंट थ्री, माइनस जीरो पॉइंट फोर, माइनस जीरो पॉइंट फाइव, माइनस जीरो पॉइंट सिक्स, माइनस जीरो पॉइंट सेवन, माइनस जीरो पॉइंट एट एंड माइनस जीरो पॉइंट नाइन, ठीक है। तो जब मैं आफ्टर माइनस वन देखूंगी तो मैंने माइनस जीरो पॉइंट नाइन पॉइंट चूज किया है, और अगर बिफोर देखूं तो मैंने माइनस वन पॉइंट वन पॉइंट चूज किया, ठीक है। फंक्शन के डेरिवेटिव में रखने लगी हूं, डेरिवेटिव आपके सामने है, टू एज इट इज, एक्स की जगह पर मैंने रख दिया माइनस वन पॉइंट वन, और आगे जो प्लस वन लिखा है वो साथ वैसे ही, ठीक है। तो जब आप माइनस वन पॉइंट वन प्लस वन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट वन, ठीक है। और जब माइनस जीरो पॉइंट वन को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस जीरो पॉइंट टू, और क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन जीरो है, ठीक है। तो पहले आपको नेगेटिव मिला है साइन फंक्शन के डेरिवेटिव का। अब हम माइनस जीरो पॉइंट नाइन रख के चेक करने लगे हैं, डेरिवेटिव आपके पास था जी टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स की जगह पर मैंने रख दिया माइनस जीरो पॉइंट नाइन, आगे प्लस वन वैसे ही, वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन करेंगे यू गेट जीरो पॉइंट वन, जीरो पॉइंट वन इंटू टू करेंगे यू गेट जीरो पॉइंट टू, बट नाउ दिस टाइम साइन इज पॉजिटिव, ठीक है।
तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का आपके पास, क्वेश्चन नंबर 36. उसने कहा है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स का क्यूब. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 36x स्क्वायर. 36 कैसे आएगा, लेकिन 12 तो कांस्टेंट है, साइड पे चला जाएगा. x की पावर 3 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आएगा 3x का स्क्वायर. तो ये आपके पास 12 3 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहां से मुझे नजर आ रहा है 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन कर लिया, x की तीन पावर्स में से दो पावर्स मैंने कॉमन कर ली, अंदर मेरे पास एक पावर रह जाएगी. आगे माइनस का साइन आएगा, 4 9 36 होता है और ये एक्स स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन ले चुकी हूँ. तो डेरिवेटिव मेरे पास आया है 4x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 9. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है. डेरिवेटिव को मैंने जीरो के इक्वल रख लिया. डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने के बाद आपने ये नहीं करना कि ये 4x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर खत्म हो गया. ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो सारी आपने करनी है. आप कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले जाके बेशक जीरो कर लो, लेकिन एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाकर जीरो नहीं करना. एक्स की तो आपको वैल्यू चाहिए. तो फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफा ये जीरो के इक्वल है, एक दफा ये जीरो के इक्वल है. यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर जीरो हो जाएगा. वो बेशक आप यहां पर भी जीरो कर लो. उसके बाद एक्स स्क्वायर अगर जीरो है तो फिर एक्स भी आपके पास जीरो आ जाएगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है, ये कट जाएगा, आपके पास एक्स जीरो आ जाएगा. यहां पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो अब आपके पास दो क्रिटिकल नंबर निकले हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू 9. ठीक है, बिफोर एक्स इज इक्वल टू जीरो देखेंगे तो आपके पास एक पॉइंट माइनस 0.1 है, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू जीरो देखेंगे तो आपके पास पॉइंट एक्स इज इक्वल टू प्लस 0.1 है. और डेरिवेटिव आपके पास क्या निकला है जी, 4x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 9. ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव आया था. तो x की जगह पर मैंने वैल्यू लगा दी माइनस 0.1, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, x की जगह पे मैंने वैल्यू लगा दी माइनस 0.1, आगे माइनस 9 वैसे ही. माइनस 9 माइनस 0.1 करेंगे यू गेट माइनस 9.1. ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये माइनस तो कहीं नहीं ना गायब होगा, ये माइनस तो साथ ही रहेगा, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, अब हम देखने लगे हैं आफ्टर x इज इक्वल टू 0.2, आफ्टर x इज इक्वल टू 0, आफ्टर मैंने पॉइंट चूज किया 0.1, तो यहां x की जगह मैंने लगा दिया 0.1, ऊपर स्क्वायर मेरे पास वैसे ही, यहां भी x की जगह मैंने लगा दिया 0.1. 0.1 का स्क्वायर लेंगे यू गेट 0.01. जीरो पॉइंट वन माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8.9. अब आप इसको इसको और इसको बेशक मल्टीप्लाई भी कर लें, बट ये माइनस तो आपका साथ ही रहना है ना, तो आंसर आपका अगेन नेगेटिव है. अब फंक्शन ने आप देख सकते हो कि उसने अपना साइन नहीं चेंज किया. बिफोर एंड आफ्टर सी जो है फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन सेम रहा है. तो यहां पे मैंने लिख दिया एफ डैश डज नॉट चेंज साइन बिफोर एंड आफ्टर सी इज इक्वल टू जीरो. सो जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, बल्कि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया. सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू 9 आया था. आप बेशक यहां पर भी कर सकते हो कि अगर आप बिफोर x इज इक्वल टू 9 ले रहे हो, 9 से पहले आपके पास 8 है, 9 के बाद आपके पास 10 है. अगर आप पॉइंट में लेना चाहते हो तो आप 8.9 लोगे यहां से. ठीक है, और अगर आप आफ्टर लेना चाह रहे हो तो यहां से आप 9.1 लोगे. अच्छा, क्लोज पॉइंट चूज करने से पता है क्या होता है, आपके पास आंसर सेम आता है बिफोर एंड आफ्टर का, सिर्फ साइन का फर्क होता है. लेकिन अगर आप दूर पॉइंट चूज करोगे तो आपके पास आंसर भी सेम नहीं आएगा. तो इसी तरह की कुछ मिसाल मैंने यहां पर आपको देने की कोशिश की है. आपको अब मैंने बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैंने करीब तरीन पॉइंट चूज किया था,
लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जरूरी नहीं है करीब तरीन चूज करें, एक पॉइंट आपने बिफोर लेना है, एक आपने आफ्टर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने जरा दूर वाला चूज करके आपको दिखाया है, यहाँ पर मैंने 8 चूज किया है बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए मैंने चूज किया है 10, ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास था 4x का स्क्वायर इनटू x माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पर मैंने 8 रख दिया, ऊपर स्क्वायर वैसी, यहाँ भी x की जगह मैंने 8 रख दिया, आगे माइनस 9 वैसी। 9 माइनस 8 करेंगे यू गेट माइनस 1, इन सबको आप मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये माइनस तो कहीं नहीं गया, तो आंसर आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब आफ्टर x इज इक्वल टू 9 के लिए मैंने 10 चूज किया है, और 10 जब आप पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100, 10 माइनस 9 करोगे यू गेट 1, प्लस का 1। अब सारी चीजें पॉजिटिव है, आपके पास प्लस 400 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पहले नेगेटिव था लेकिन अब पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर f डैश चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो f हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 9। 0 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा है, जबकि 9 जो है उसने आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट 4 क्वेश्चंस, जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो रह गए हैं उसको भी कवर करवा दिया जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट पर आज हमने वो कवर कर लिए। नेक्स्ट जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही है वो 5.3 के आ रही है, तो इंशाल्लाह कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 5.3 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।